Yeah, hi guys, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and staying safe और बहुत ही अच्छा कर रहे हो जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में. सो आज के वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, मतलब एज यू ऑल हैव रेड फ्रॉम द टाइटल ऑफ दिस वीडियो कि आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऐसे स्टाइल्स जो कि डेफिनेटली आने वाले वेडिंग सीजन में आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज अब जो शादियाँ लाइक नवंबर दिसंबर पड़ने वाली है अभी से लोग उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रही थी. एंड आप जिस भी सिटी में रहते हो वहाँ पे आप ये चीज़ें मतलब जस्ट बी प्रिपेयर फॉर द वेडिंग सीजन. ऐसा ना हो कि लास्ट में आके आपको एकदम फजी फजी रहने लगे कि ओह माय गॉड कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया. सो सबसे पहले तो आप एक आसपास के एरिया में कस्टमाइजेशन स्टोर फिगर आउट कर लो, जहाँ से आपको अपने वेडिंग मतलब आने वाली वेडिंग सीजन के लिए जो भी आपको कपड़े या कुछ भी सिलवाना है, कुछ भी कस्टमाइज करवाना है. अगर आप लखनऊ में हो देन डू रीच आउट टू मी, और अगर आप लखनऊ में नहीं हो तो आप हमें ऑनलाइन भी कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हो. हम अपना वेबसाइट भी डेवलप करवा रहे हैं फॉर दैट ओनली. बट हर किसी को तो ये मैसेज पहुंचा नहीं सकते हम. अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो और आपके लिए थोड़ा सा फर्जी लगता है दूर ऐसे कम्युनिकेट करना, तो आप अपने आसपास के लोकेशन में, अपने सिटी में आप एक ऐसा बुटीक स्टोर और कुछ भी कस्टमाइजेशन स्टोर फिगर आउट कर लो पहले से ना प्रायर, जहाँ से आप कुछ कुछ ट्रायल पे बनवा लो ताकि आप आने वाले सीजन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो. अगर आपको वही नॉर्मल रेगुलर स्टफ नहीं पहनना है, कुछ नया ट्राई करना है, देन उसके लिए चलो अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टाइल्स जो कि मैं पिछले सीजन से लाइक एज यू ऑल नो कि मैं खुद का एक बुटीक स्टोर चलाती हूँ एंड अ ब्रांड एज वेल. तो हमारा ब्रांड ऑनलाइन चलता है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, और अभी हम बहुत जल्दी अपनी खुद की वेबसाइट भी डेवलप करवा रहे हैं, तो हम उस पर भी अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर चुके हैं. ऑब्वियसली अपने ही प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, बट वो एक अलग सेगमेंट हो गया है ऑनलाइन ऑफलाइन वाला. हमारा जो ऑफलाइन सेगमेंट है उसमें हम डायरेक्टली कस्टमर डीलिंग करते हैं. सो हमें कुछ चीज़ समझ में आती है कि अभी ट्रेंड में क्या है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कुछ क्या ऐसा बहुत ही एक्स्ट्रा आ चुका है, बट कुछ चीज़ें हैं जो क्लाइंट को अगर बताओ तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है एंड दे रियली अप्रिशिएट कि हाँ कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं. और क्लाइंट्स हमेशा, जैसे आप मेरे क्लाइंट हो तो आप हमेशा इनपुट एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको आइडिया दे, इनपुट्स दे रिगार्डिंग सर्टेन डिज़ाइंस कि अगर मुझे ऐसा ब्लाउज पहनना है, मुझे ये पैटर्न पहनना है, कुछ भी ऐसा. तो इस वजह से जस्ट बी प्रिपेयर, क्योंकि हर के मतलब अब ऑब्वियसली आप कहीं और हो, आप नहीं जानते हो, तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर द सेम आइडियाज विद यू एज वेल, सो दैट कि आप लोगों को भी आइडिया रहे. और अगर आप कहीं भी जा रहे हो ऐसे कस्टमाइजिंग करवाने के लिए तो आप खुद भी मेंटली एंड एक तरीके से आइडिया लेके रेडी रहो कि हाँ मुझे कुछ ऐसा ट्राई करना है इस सीजन के लिए और ये मुझ पर कैसा लगने वाला है. तो जो सबसे पहला स्टाइल है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ अ नेक लाइन. अभी के लिए आई एम ट्रूली 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 अ बिग फैन ऑफ टू नेकलाइंस, विच इज मेरी हेयर स्टाइल बोला है क्या? ओके सॉरी, अगर मैंने हेयर स्टाइल बोला है देन आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं नेकलाइन बोलने वाली थी, और अगर नहीं बोला है देन आई टेक माई वॉज बैक. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद नेकलाइंस. तो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की है कि वी शेप नेकलाइन एक ऐसी नेकलाइन है जो सबकी बॉडी पे जाता है. रैदर यू आर अ ब्रॉड बॉडी स्ट्रक्चर जिनका शोल्डर काफी ब्रॉड होता है या फिर आपका शोल्डर थोड़ा पटीट होता है, दोनों पर ही वी शेप नेकलाइन बहुत ही ब्यूटीफुली फॉल करता है. और मैंने बहुत सारे क्लाइंट को सजेस्ट किया है कि आप वी शेप नेकलाइन पहनो. और दो तरीके से वी नेकलाइन बनते हैं, तो मैं पिक्चर्स लगा के जाऊंगी साइमल्टेनियसली सो दैट कि आप लोगों को समझ में आता रहे. एंड ये लैम्प थोड़ा उल्टा पुटा है, जस्ट इग्नोर दैट. सो वी शेप नेकलाइन दो तरीके से बनता है, एक बनता है हल्का सा कर्व वाला भी और दूसरा बनता है बिल्कुल स्ट्रेट भी. वट एवर सूट्स यू, कर्व वाला भी इज अ टाइप ऑफ नेकलाइन जो लोग वी मांगते हैं और वो बना दिया करते हैं बुटीक वाले. बट आप एकदम स्ट्रेट कट वी मांगो, बहुत ही फैशनेबल लगता है, बहुत मतलब एकदम स्टाइलिश लगता है और आपके कॉलर बोन्स को बहुत ही अच्छे से एक्सेंचुएट करता है. अगर आपको डीप नेकलाइन पहनना पसंद नहीं भी है तो आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. अगर बिल्कुल ही नहीं पसंद तब तो कोई बात ही नहीं होती है, बट आप थोड़ा सा अगर एक्सपेरिमेंटल हो, आप थोड़ा सा उतना स्टाइलिश और उतना कैरी कर सकते हो थोड़ा सा डीप नेकलाइन, देन 8 inches पे, अगर आप एक नॉर्मल कैजुअल बता रही हूँ मैं, आप 8 inches पे वी शेप नेकलाइन रखो, बहुत क्लासी लगता है. और अगर आप काफ़ी टॉल हो, आपका बॉडी लाइक जो अपर बॉडी काफ़ी बड़ी है, लंबी है, तो आप डेफिनेटली और भी डीप जा सकते हो. तो वो इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी स्ट्रक्चर कि कितना डीप आप जा सकते हो अपनी नेकलाइन को लेके. और अगर मुझे पहनना होता है देन आई डेफिनेटली गो फॉर 7.5 और 8. सो मेरी बॉडी काफ़ी पेटीट मतलब छोटी सी है, तो आई एम 5'1" एंड उसके अकॉर्डिंग मेरे ऊपर अच्छा लगता है 7.5 और 8. अगर आप मेरे थोड़े से टॉल हो या फिर आप काफ़ी टॉल हो, वो डिपेंड करता है आपका अपर टॉर्सो कैसा है. तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर वी शेप नेकलाइन, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नेकलाइन लगती है, बहुत एजी सा लुक देता है आपको.
एंड जो सेकंड नेकलाइन है इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, दैट इज अ स्वीट हार्ट नेकलाइन. स्वीट हार्ट नेकलाइन बहुत ही ज्यादा लाइक एकदम जो अगर कोई लहंगा या नॉल के ब्लाउज बनवा रहे हो और आपको नहीं चाहिए कि आप राउंड शेप नेकलाइन वही पुराने स्टाइल का पहनो, देन गो फॉर द स्वीट हार्ट नेकलाइन. थोड़ा सा ब्रॉड जा सकते हो या फिर हल्का सा ऐसे करके कर्व जा सकते हो, और अपने जो टेलर मास्टर है या किसी को जिनसे भी आप कस्टमाइज करवाओगे उनको बताओ कि जो वो डायमंड बना देते हैं ना, दैट इज नॉट अ स्वीट हार्ट नेकलाइन. स्वीट हार्ट में यहाँ का शेप हमेशा हार्ट शेप आता है. तो अभी रिसेंटली एक क्लाइंट है, उन्होंने स्वीट हार्ट बोला. उनकी पुरानी टेलर हमेशा डायमंड बनाते थे स्वीट हार्ट की जगह पर, बिकॉज ऑफ दैट रीजन शी थॉट कि हम भी डायमंड बनाएंगे और हमने स्वीट बनाया, तो उनको उस वजह से वो समझ नहीं आ रहा था. दैट इज कम्प्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग और एक तरीके का मिसकम्युनिकेशन था. आई एम नॉट सेइंग किसी को टारगेट करके, बट अगर आप कुछ वैसा ट्राई करना चाहते हो देन डेफिनेटली आप कर सकते हो. अगर आप कुछ ऐसा ट्राई करना चाहो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. सो अगर आप कोई लहंगा और हल्की सी पतली सी प्यारी सी लेस लेके मिरर वाली है कुछ भी आप स्वीट हार्ट नेकलाइन में लगाओ, बहुत ही ज़्यादा क्यूट येट स्टाइलिश लगने वाला है और काफ़ी अच्छे से आपका जो ये नेक है और काफ़ी जो ये कॉलर बोन है बहुत ही अच्छे से फॉल करता है उसमें और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट एटलीस्ट फॉर वंस. तो ये दोनों नेकलाइन हो गए. देन आई विल टॉक अबाउट द वी शेप कट होता है ब्लाउजेस के एंड में. तो आपने अभी बहुत सारे ना, अगर आप एक्टिव हो इंस्टा पे और डिजाइनर्स के आउटफिट देखते रहते तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर हल्का सा वी कट देते हैं आजकल ब्लाउज में, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. मतलब उस पर अगर आप हल्का सा, मतलब मैं पिक्चर्स लगा दूंगी, तो अपने जाके टेलर मास्टर इनको बताओ आप कि आपको हल्का सा वी शेप चाहिए. और अगर आप कैरी कर सकते हो, लाइक अगर आपकी साड़ी बहुत हैवी है और वैसे ये कपड़ा है इसके नीचे दिख नहीं रहा कि मैंने क्या पहना हुआ है, सो इस तरीके की अगर साड़ी है तो उसमें इतना नहीं विजिबल होता है. बट अगर आपकी साड़ी नेट की है और गैंजा की है या फिर बहुत ही हल्का वाला शिफॉन है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट स्लीव्स. तो डेफिनेटली अगर आप कट स्लीव ट्राई करना चाहते हो देन गो फॉर दिस वन. आप इस तरह से 1 इंच का स्ट्रैप भी कैरी कर सकते हो, अदरवाइज आप 2.5 और 2 इंच का स्ट्रैप रखो और कट स्लीव पहनो, बहुत ही अच्छा लगता है. बहुत ब्रॉड स्ट्रैप मत जाना, बिकॉज वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर, मतलब आई डोंट नो इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट फॉर अ वेडिंग और समथिंग उसमें मुझे ऐसा, मुझे ऐप में अगर मैं अपने क्लाइंट को कभी सजेस्ट नहीं करूंगी अनलेस वो उसकी पर्टिकुलर चॉइस है कि मुझे उतना चौड़ा स्ट्रैप पहनना है. पर जो ये वाली लेंथ होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. गो फॉर द थिनर स्ट्रैप, जितना थिन स्ट्रैप होगा उतना ज्यादा एलिगेंट लगोगे आप. बट अगर आप कैरी नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा थिन स्ट्रैप आपके घर में अलाउ नहीं है या फिर इस तरह से आप कुछ कैरी करना ही नहीं चाहते हो, आपका कॉन्फिडेंस गिरता है या कुछ भी ऐसा है, देन गो फॉर 2 or 2.5 inches का स्ट्रैप, वो भी बहुत अच्छा लगता है और आपके ब्लाउज में बहुत अच्छी फिटिंग देता है. नेक्स्ट अगर आपको स्लीव्स लगवानी है, दो लेंथ बहुत अच्छी होती है. एक तो 3/4 जो लेंथ होती है जो हमारी यहाँ तक आती है, उसके अलावा एक लॉन्ग स्लीव्स आती है कैप स्लीव्स करके, यहाँ तक की लेंथ होती है वो. ये लेंथ बहुत ही अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है ब्लाउज के लिए ये लेंथ बिल्कुल परफेक्ट होती है, जैसा आप पिक्चर में देख सकती हूँ. ये लेंथ इसलिए मुझे अच्छी लगती है बिकॉज एज कम्पेयर टू द बॉडी, मेरा हाथ जो आर्म है वो काफ़ी हैवी है, ऐसा मेरा पर्सनल फील है. और मुझे ऐसा लगता क्या, हमें पता होता है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, मतलब किस तरह से हमारा बॉडी लगता है एंड ऑल दैट. सो आई नो कि मेरे आर्म्स हैवी है, तो कभी भी मुझे ऐसा ब्लाउज या कुछ कैरी करना होगा आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ लेंथ और अ फुल स्लीव, ताकि मेरा जब पिक्चर्स एंड ऑल आए उसमें से मेरे आर्म्स ही आर्म्स ना दिखें. तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई दिस काइंड ऑफ अ लेंथ, यहाँ तक की लेंथ अगर आप जाओगे और यहाँ पे कुछ टैसल्स या लेस या कुछ भी ऐसा लगवाओगे वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा. और जो मैंने इसके पहले बात की है ना कि आप आगे से वी कट देते हो, अगर आप उसमें इस तरह से लेसेस भी लगवाओगे ना, जो डैंगलिंग लेस होती है बहुत ही ज़्यादा सीजन में इन है, और उसको अगर आप लगवाते हो वो हर एक कपड़े का एक जो ब्यूटी होता है ना बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो बढ़ा देता है. तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ लेंथ. ये लेंथ आपके आर्म्स को पतला दिखाती है, आपके आर्म्स को बिल्कुल फैटी नहीं दिखाएगी, और जितना ही आप शॉर्टर जाओगे वो आपके आर्म्स को उतना ही फैट दिखाएगी. देखो या तो आप कंफर्टेबल हो कट स्लीव पहनने में, अदरवाइज मैं अपने क्लाइंट्स को कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप ये वाली लेंथ जाओ. एंड मुझे ऐसा लगता है मैंने अभी तक बहुत ही कम ऑर्डर रिसीव किए हैं, लाइक बहुत ही कम जो इस लेंथ को प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये लेंथ आपके आर्म्स को बहुत ही ज़्यादा हैवी फुलर दिखाते हैं. सो अंडर एनलेस दैट इज योर पर्सनल चॉइस, आप इस लेंथ की तो मत ही जाओ, क्योंकि बिल्कुल भी सीजन में इन नहीं रहता है. और कभी भी ऐसा भी नहीं कि कुछ क्लासिक है कि कभी भी सीजन में जाने नहीं वाला है, ऐसा कुछ भी है. तो इस लेंथ में तो मत ही जाओ अंडर एनलेस यू आर वेरी थिन और आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका आर्म कैसा लग रहा है एंड ऑल दैट.
सो दिस इज द वन जो अभी बहुत ज्यादा सीजन में इन है, दैट इज अ चूड़ीदार स्लीव्स। अगर मैं स्लीव्स की बातें करूँ, जो शिफॉन के कपड़े होते हैं या शर्ट लुक देने वाले जो फैब्रिक्स होते हैं उसके अंदर ऑर्गेंजा कुछ भी, उस पर आजकल खूब हैवी वाला जो चूड़ीदार होता है वो लोगों को पसंद आ रहा है, नेट पे पसंद आ रहा है। चूड़ीदार स्लीव्स बहुत पहले सीजन में हुआ करते थे, बट आजकल फिर से वो बहुत ही ज़्यादा सीजन में इन है। और पर्सनल चॉइस और अ पर्सनल नोट, मुझे भी बहुत पसंद है चूड़ीदार स्लीव्स। वो आर्म्स को अलग ही एक एलिगेंस प्रोवाइड करते और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते। तो अगर आप ऐसा कुछ अभी आने वाले फेस्टिवल में लाइक ट्राई करना चाहो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। नेक्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट हैंडमेड टैसल्स। जो मार्केट वाली टैसल्स होती है, जब भी आप कुछ बनवाने जा रहे हो ना, तो आप अपने लाइक जो टेलर या कोई भी है उनसे बोलो कि जो इसमें से टुकड़े बचेंगे ना, वो आप मतलब वो उनके आपको अच्छे से प्यारे प्यारे हाथ के बने हुए टैसल्स लगा दें आपके ब्लाउज में। देखो मार्केट वाला टैसल्स ना मार्केट वाला ही होता है, और जो आपके कपड़े से निकाल के टैसल्स बनाते हैं, अगर आपको डोरी नहीं भी पसंद है बैक पे पहनना, एक बार ट्राई करो, बैक पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है वो। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट वन। पीछे डोरी लग जाती है, उसमें हाथ के बने हुए प्यारे प्यारे से टैसल्स होते हैं, वो बहुत ही फिनिशिंग। एक देखो, अगर आप पैसे में कंजूसी कर रहे हो, और इतना ज़रूर ध्यान रखो, अगर आप ये सारी सर्विसेज जा रहे हो ना कहीं भी लेने के लिए, तो इनकी कॉस्ट भी लगती है। सो डू नॉट थिंक कि मैंने सजेस्ट किया है कुछ, अब ये सब मुफ्त की सेवाएं हैं। नहीं, ये सब मुफ्त की सेवाएं नहीं है, इनका उसी के हिसाब से पैसा पड़ता है। सो अगर आप जाके बोल रहे हो ना टैसल्स बना के दो, तो वो उनके लिए एक्स्ट्रा वर्क है, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्री, बिकॉज जो चीज़ उनकी दो घंटे में बन सकती है उसके लिए उनको 3 घंटे देने पड़ेंगे। बिकॉज आपको लग रहा है कि उसमें कुछ नहीं होता है, बट उसमें बहुत ही ज़्यादा दिमाग भी खर्च होता है और बनाने में टाइम भी वेस्ट होता है। उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, जितना आप खूबसूरत बनाना चाहोगे उसके उतने ही पैसे पड़ते हैं। सो रिमेंबर दिस, अगर मैं आपको गाइड कर रही हूँ ना, तो आप ये मत सोचना कि ये सब मुफ्त की सेवाएं हैं, आप जाके कहीं भी बोलोगे वो सब फ्री में बना देंगे। नहीं, अगर आप ऐसा कुछ बनवा रहे हो, जस्ट बी प्रिपेयर कि इसके भी कुछ कुछ पैसे होंगे जो लगेंगे, क्योंकि आपको उनको ट्रस्ट करना होगा कि हाँ, अगर वो चार्ज कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। और अगर आप अपनी तरफ से, पता है, ज़बरदस्ती अगर एक क्लाइंट होल्ड करने के लिए एक ओनर्स ने कर भी लिया ना ये चीज़ कि ठीक है अच्छा आप दे जाओ, वो कभी भी अपना 100% उस पीस में नहीं डालेंगे। वो सोचेंगे बस कैसे तैसे काम हो निकले, अगर एक क्लाइंट जा भी रहा है तो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये माइंड सेट आ जाता है एक बनाने वाले के दिमाग में कि भाई ये बंदा तो पे ही नहीं कर रहा है, तो अगर हमको मुफ्त में डाला तो हम कैसे भी बना दें। तो अगर आप पैसे लगा ही रहे हो तो 150 और लगा लो, हर आता कि अच्छे से मिल जाए, क्यों फालतू में कुछ भी ले लो, समझ रहे हो आप। तो रिमेंबर दिस, तो हैंडमेड हाथ की बनी हुई टैसल्स जो होती है वो बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत टाइप की बनती हैं। तो आपको किस टाइप की पसंद, थोड़ा सा पिंटरेस्ट करो, जाके अपने उसको दिखाओ, और अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आप डेफिनेटली कस्टमाइज करवाओ उसको अपने लिए आने वाले सीजन के लिए। बट बी प्रिपेयर कि उन सब चीज़ों के पैसे पड़ते हैं, बिकॉज मेरे से ऐसा बहुत बार होता है, लाइक क्लाइंट्स डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग कि पहले आप बना दो बड़े गले बना दो, फिर बड़े गले बन जाते हैं तो डोरी लगा दो, डोरी लग गई तो हैवी हैवी टैसल्स। नो, दिस डजंट वर्क लाइक दैट, हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। सो ये कभी कभी क्लाइंट्स को भी समझना होता है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फेवरेट आइटम, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है और बहुत सारे क्लाइंट्स को पसंद है, मुझे ऐसा लगता है। दैट इज़ कॉल्ड डिटैचबल बोज। मैंने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सुनते हुए देखा है, और अभी हम लोग बनवा भी रहे हैं डिटैचबल बोज, ताकि आप उनको अपने ब्लाउज में लाइक मैचिंग के बोज बस पीछे से टक कर लो। बिकॉज आप जब भी खुद से बांधोगे ना, अगर पीछे डोरी वाला ब्लाउज बनवाते हो तो आप वो इतना अच्छा बना नहीं पाओगे, और अगर डिटैचबल वो होगा तो आप इजीली पिन लेकर उसको लगा लोगे और वो अच्छे से शेप में खड़ा है, मतलब आपके बैक पर आएगा। अगर आप बन और बना रहे हो काफ़ी अच्छा से आएगा। बोस को आप यहाँ भी लगा सकते हो, आप बैक में लगा सकते हो, आपका जहाँ मन करे आप उन बोस को वहाँ लगा सकते हो। अदरवाइज ऐसे ब्लाउज बनवाओ जिसमें पीछे ऐसे लंबी लंबी टाई निकाल दें वो लोग, ताकि उनसे आप टाई करके बो बना लो। अगर आप वो नहीं बना पाते हो तो डिटैचबल वो होते हैं जिसको आप इजिली पिन करके निकाल लो और पिन करके पहन लो, इसलिए उनका नाम होता है डिटैचबल बोज। तो उस तरह का भी कुछ आप अपने लिए कस्टमाइज करवा सकते हो, और इस टाइप का कुछ वो दिखता है, अंदर पिन लगी होती है, ऊपर बो होता है बहुत सुंदर सा। तो इन सब के साथ आई डोंट नो, मैंने बताया कि नहीं बताया है कि टैसल्स, जो डैंगलिंग टैसल्स आजकल चल रही हैं, लेस चल रही हैं लटकने वाले, उसमें बहुत सारे क्रिस्टल के लटकन होती हैं, उस टाइप की लटकन आप प्रेफर करो अपने गारमेंट्स में। बहुत ही ज़्यादा सीजन इन है, हर कपड़े को एक अलग ही लुक प्रोवाइड करती हैं, चाहे आप उसको बॉटम में लगवाओ, चाहे आप उसको स्लीव्स में लगवाओ, कहीं भी लगवाओ बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट आइटम दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, ये वाली चीज़,
तो अभी कुछ दिन पहले मैंने करीना कपूर की ब्लाउज में देखी थी, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा सा लगा था, बट बहुत ही कम लोग इसको प्रेफर करते हैं। सो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप डेफिनेटली अपने लाइक ऐसा, ये उन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट है जिन लोगों को डोरी पहनना बैक पे पसंद नहीं है। तो अगर आप भी उनमें से एक हो और आपको बैक पे डोरी नहीं पसंद है, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, बिकॉज अगर इतना डीप नेक पहनोगे ना तो आपका कंधा भी फॉल करेगा, विच इज़ अ जेन्युइन रीज़न। अगर आप इतना डीप पहन रहे हो और आप पैडेड पहन रहे हो, अगर आप एक बार को पैडेड ब्लाउज भी पहन रहे हो, कंधा आपका फॉल करेगा ही करेगा। अगर आप मूवमेंट करते हो तो ऐसा तो है नहीं चिपक के बैठोगे बिल्कुल एक जगह पे, मूवमेंट करोगे तो आपका कंधा गिरेगा। तो उस चीज़ को सेफ गार्ड करने के लिए आप ऐसा कुछ करवा सकते हो, या तो आपका ब्लाउज इतना फिटिंग का हो कि गिर ही नहीं रहा हो। बट अगर कुछ ऐसा गिर रहा है और आपको डोरी नहीं पसंद है, तो आप इस तरह की पट्टी लगवा के उस पर अपनी प्यारी सी डैंगलिंग लेस लगवा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लुक को इन्हेंस कर देगा। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लाइक यूजफुल होंगे आने वाले सीजन में। और अगर आपको लगता है कि हाँ इनमें से कुछ भी ऐसा है, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये एक मतलब था कि आप जब भी कहीं कुछ जा रहे हो ना आने वाले सीजन के लिए, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि हमें क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना है। और अभी मैं ऐसे ही बहुत सारे और भी टिप्स आपके संग शेयर करने जा रही हूँ। सो मैंने अपना नाम तो बताया नहीं इस वीडियो में, तो अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखा है देन थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे लेती हूँ। सो माय नेम इज़ मानसी, और अभी हम लोग मतलब मैं अपना बिजनेस चलाती हूँ, तो ऐसे मैंने पहले भी बताया हुआ है ना कि मेरा ऑन एंड ऑफलाइन क्लोथिंग स्टोर है। सो अभी हमारे बिजनेस को 1 ईयर होने वाला है, और थोड़ा सा हमने कस्टमर से इतना मतलब इंटरेक्ट किया है कि हम ये चीज़ें शेयर कर सके अपना एक्सपीरियंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली हम लोग ये सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं कुछ ना कुछ, और हम लोग कुछ ना कुछ वीडियोज बनाते रहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो अभी इतना रेगुलर नहीं हो पाते हैं, बट वी ट्राई आवर बेस्ट, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ घर और स्टोर और एवरीथिंग मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इस वजह से आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, बट लेट्स सी कि हम लोग कितने कंसिस्टेंट हो लेते हैं चीज़ों को लेके। और हम लोग एम्ब्रॉयडरीज भी करवाते हैं। सो अगर आप लखनऊ से हो और अगर आपको अपने कपड़ों में अपनी खुद की डिज़ायर्ड एम्ब्रॉयडरीज करवानी है, चाहे वो मशीन एम्ब्रॉयडरी हो चाहे हैंड एम्ब्रॉयडरी हो, हम लोग हर टाइप का कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम लोग लाइक स्टिचिंग से लेके, स्टिचिंग में कुछ भी हो सकता है, सूट सेट हो सकते हैं, ब्लाउजेज हो सकते हैं, लहंगा हो सकता है, गाउन हो सकता है, जस्ट बिकॉज हम ऑलरेडी वेस्टर्न सेगमेंट को एक तरीके से ऑनलाइन टारगेट करते हैं, तो वेस्टर्न कपड़े भी हम बनाते हैं, विच इज़ लाइक अ ड्रेस, टॉप, स्कर्ट, पैंट, शर्ट, कुछ भी। सो इट्स अ मेनली वुमेंस वेयर गारमेंट शॉप, तो वहाँ पे हम लोग वेस्टर्न और एथनिक दोनों ही सेगमेंट टारगेट करते हैं। हम डिटैचबल रेट्रोवेयर साड़ी से बनाते हैं, धोतीज, लहंगा, एनीथिंग, मतलब आपको कुछ भी ऐसा बनवाना है सब चीज़ें बन जाएंगी। बस हर चीज़ की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है जिसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो या सो हाँ सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अभी जैसे मैंने चीज़ बोली, मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में भी स्टार्ट वो कर देती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर उनके घर में भी किसी शादी पड़ने वाली कुछ है तो आप उनके संग शेयर कर लो अपने दोस्तों के संग में, हमें भी रीच मच्छी मिल जाएगी और आपके भी हम काम आ जाएंगे थोड़ा सा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच, बाय।